हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पठान ब्लॉग। पठान ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया ब्लॉग, और यहाँ आज पूरम फेस्टिवल चल रहा है, तो आज वही एक्सप्लोर करेंगे। और आज हम कुछ देर के बाद जाएंगे पूरम फेस्टिवल में और आपको वही दिखाएंगे, और बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। बने रहिए आगे तक। ये देख सकते हैं आप, पीछे हाथियों की झांकी आ रही है और बहुत बहुत बड़े बड़े हाथी हैं ये। फेस्टिवल के अंदर और यहाँ मेला चल रहा है, और साथ में हमारे दिलसाद भाई भी आए, और चलते हैं आगे की तरफ। जा रहे हैं हम आगे की तरफ, और ये साइड कला मेला चल रहा है। Thank you.
और यहाँ पान लग रहा है हमारे लोगों का, पान खाएंगे बहुत ही मजा आने वाला है। आज के लोग मेहमान भी आए हैं हमारे पीछे, कैमरे दबा दीजिए तो बनना है। और ये पान बन रहा है यहाँ पर, भैया पान बना रहे हैं मीठा पान। तो क्या क्या रेट है भाई साहब बताइए, कितने का पान है भैया? ये 20 रुपए का एक पान है यहाँ पर। घबराने में शिकायत करनी पड़ेगी यहाँ पे, एक 10 रुपए का पान। मेला चल रहा है, मेला मेले में ऐसे ही मिलता है यार। सही बता रहा है, हमें हिंदी वालों को तो और ये बहुत ही बारीक बारीक छाली से बन रहा है पान, मीठा पान डाल दिया उसमें। ठंडा तो लेते, ठंडे ही चाहिए ये बनना है गुलकंद वाला पान, चाशनी वाला चाशनी है ये तो। अरे यार तू कहाँ है यार, जान गाड़ो गुलकंद ना है। अरे चाशनी पिला रहे हो यार, गुलकंद बता रहे हो यार। लास्ट का बचा है 15 रुपए, भाग ना लास्ट का बचा है भाई। ले ले ले, यहाँ पे है आप मामला, मेला भी खत्म होने वाला है। ये पान आ चुका रेडी हो गए और ये पान गया मुंह में। क्या था पान है, 20 रुपये लग गए लेकिन मजा नहीं आया। मज़ा आएगा बाद में, लगती है भैया चलो। और मेले में यहाँ चारों तरफ सारी खाने पीने की चीज़ें और भी खेल खिलौने और आइसक्रीम वगैरह हैं, ये देख सकते हैं आप मेरे आगे। ये एक आइसक्रीम का और खेल खिलौने सभी चीज़ें बिक रही हैं यहाँ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, मेले में से हम होकर आ चुके हैं और वहाँ ढोल लंगाड़े पिट रहे थे और हाथियों की नुमाइश भी हो रही थी और अभी जा रहे हैं। और साथ में आज हमारे दिलसाद भाई भी हैं, दिलसाद भाई फ्रॉम गोरखपुर। अगर किसी को भी पता अगर कांटेक्ट करें, इन्हीं शादी नहीं हो रही, इन्हीं शादी नहीं लौटने होता है। देख लिया हम कितने इस्तेमाल लग रहे हैं। अभी हम एक यहाँ से सनग्लासेस लेंगे, देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है सनग्लासेस, शायद आगे हमको दुकान मिलेगी। और ये साइड में आप देख सकते हैं चकली और मुरमुरे बिक रहे हैं। और मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इस वजह से हम आ चुके हैं, क्योंकि आज हमारा रमज़ान भी था तो हम थोड़ा थक गए हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं रुके मेले में। अब जा रहे हैं घर की तरफ और आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पठान सारू, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मिस्टर कैफू नाम से आईडी पे सब्सक्राइब, हाँ इनको भी फॉलो कर लें, मिस्टर कैफू शेख इंस्टाग्राम पर। तो ये एक भैया हमको यहाँ गाना गाते हुए मिले। तो गाइस ये यहाँ पर चश्मे वगैरह ले रहे हैं, यहाँ से हमको एक चश्मा लेना है और कमेंट करके बताएं। तो गाइस मैं ये एक लेंस ग्लासेस ले रहा हूँ और आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। दत्तात भाई देखना, ये थोड़ा ऊंचा नीचे लग रहा है, एक साइड झुक रहा है, ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है ये, एक साइड ऊंचा नीचे है? तो फाइनली गाइस मैंने ये वाला ले लिया है अजय भाई के लिए, और बताएं आप कमेंट में मेरे को कैसा लग रहा है। नहीं यार दोबारा यार, तुम यार चॉइस की बहुत खतरनाक चॉइस की है। चलो।
देख नहीं रहा। तो गाइस हमने ये लेंस ग्लास ले लिया है और चल रहे हैं आगे। और गाइस ये यहाँ पर केला फेमस हलवा बिक रहा है और ये लाल पीली गुलाबी जलेबी बिक रही है और चकली भी है साथ में। तो गाइस हम लोगों ने ये एक एक ले लिया है, एक काला चश्मा और गोरा चश्मा, काफी मुश्किल हो जाएगा पहचानने में। ये हमने अपने अजर भाई के लिए लिया है क्योंकि वो बाइक पे ज़्यादा चलते हैं तो उनको आँख में कीड़ा वीड़ा पड़ जाता है उसके लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये और ये इस साइड में बच्चों के खेल खिलौने देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी चलते चलते हमें लग चुकी है प्यास तो हम यहाँ बनवा रहे हैं अपना नींबू पानी। तो भैया हमारा नींबू पानी बना रहे हैं। और यहाँ पे आपको हर दुकान पे इस तरीके से केले मिल जाएंगे। यहाँ पर केले की काफ़ी वैरायटी होती है, ये बड़े साइज़ का केला, छोटे साइज़ का केला, अलग अलग वैरायटी के केले मिलेंगे आपको। देख सकते हैं आप, आपका एक ही केले में पेट बढ़ जाएगा। और ये डाल दें इसमें शुगर सिरप। और पानी है ना थोड़ा, पानी पानी ठंडा पानी। तो गाइस ये हमारा बन चुका है शरबत, आप इसको सिकंजी भी कह सकते हैं। और ये इंतजार में खड़े हैं चश्मे लगा के। लो ले भाई, ले भाई, ठंडा होगा तो नॉर्मली मिले यार। और ये शरबत कैसा है? बेहतरीन, लेकिन ठंडा नहीं। ठंडा नहीं है? है ठंडा मगर थोड़ा कम ठंडा है। तो गाइस हम लोग अभी सोडा पीकर आ चुके हैं और घूम जा रहे हैं रूम की तरफ और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।